आज हम बात करेंगे इयाद क्या प्रॉफिट मोहम्मद इयाद इब्न खबशा नाम का जो आदमी है क्या वो असली प्रॉफिट मोहम्मद है। अच्छा, कई सारे इस्लाम पे किए गए एतराज़ों में से एक नया एतराज़ अभी सामने आया कि क्या इयाद इब्न खबशा नाम का जो हिस्ट्री में जो आदमी मिलता है, हालांकि वो इस्लाम की हिस्ट्री में मिलता है, तारीख़ अल-तबरी में मिलता है, तो क्या वही प्रॉफिट मोहम्मद है। अब ये एतराज़ करते हैं हमारे ईसाई लोग करते हैं, क्योंकि जो गज़ानित जो डायनेस्टी थी, जो लखमैद डायनेस्टी थी, आखिरी जो अंपायर था अरब का, वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। तो एक में तो ईसाई थे और एक में दूसरे रिलीजन के लोग थे, तो गज़ानित थे और लखमैद थे। तो गज़ानित का जो आखिरी राजा था, जो सीरिया लेबन मेसोपोटामिया इसको या इराक ईरान यहाँ पे जो राज करता था, यहाँ का जो गवर्नर था, जो आखिरी गवर्नर था, उसको इयास इब्न खबशा बोला जाता है। तो उनके मुताबिक यही प्रॉफिट मोहम्मद थे, आखिरी राजा, इनके मुताबिक राजा हो सकता है, आखिरी हो सकता है और अरब हो सकता है। तो इन्होंने इनको जो ये क्या करते हैं, पूरी जितनी इस्लाम की हिस्ट्री है उसको कचरे के डब्बे में डालते हैं कि ये सब प्रोपागेंडा है, लेकिन इसके छुपी हुई हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि असली में प्रॉफिट मोहम्मद कौन था। तो इनकी बात प्रूफ करने के लिए ये हवाला भी मुसलमान सोर्स का ही देते हैं, ठीक है। तो इनके मुताबिक इयास इब्न खबशा नाम का जो आदमी है वो प्रॉफिट मोहम्मद थे। मैं आपको वीडियो जे स्मिथ वगैरह ने बनाया, वी हैव फाउंड ओरिजिनल मोहम्मद, ये थोड़ा सा पीछे हट गया, कहना ये पुराना वीडियो है अपने इस क्लेम से। इसमें एक बात आती है कि अगर इस्लाम की हिस्ट्री को पूरा अगर ये नकार रहे हैं, पूरी किताबों को नकार रहे हो, तो अभी तक जो आरोप लगा रहे थे इस्लाम पे कुछ भी अच्छा बुरा ये कुछ भी प्रूफ नहीं होता, तो किस बिना पे लगा रहे थे? जब आप सोर्स को ही असली नहीं बोल रहे हो, जब आप सोर्स पे ही सवाल उठा रहे हो, तो आपके पूरे एतराज़ पूरे अपने आप खारिज हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो चलो हम मुद्दे पे आते हैं। इब्न क्या अब अभी खबशा सच में प्रॉफिट मोहम्मद जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं, तारीख अल-तबरी का इस्तेमाल करते हैं और एक बुखारी की हदीस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अबू सुफियान से हरक्लिस नाम का एम्परर था, बादशाह था, वो इनकी इंक्वायरी करता है प्रॉफिट मोहम्मद की। तो हदीस में भी ये अल्फाज आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के लिए इब्न अभी खबशा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इब्न अभी खबशा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, और ये इत्तेफाक से नाम इब्न अभी खबशा ये नाम आखिरी गवर्नर का था, जो गज़ानित जो डायनेस्टी थी अरब लोगों की, जो इराक ईरान में रहते थे, जो तो उनके जो आखिरी गवर्नर का नाम भी खबशा था। तो ये इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये एक ही आदमी है। नाम का मतलब देखते हैं, यहाँ पे अबू सुफियान जो है इसकी हदीस के मतलब बताता हूँ। हियर अबू सुफियान वाज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इयास अभी खबशा अल-ताई, यहाँ पे जो हदीस है यहाँ पे ये इयास अभी खबशा ताई की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ताई यहाँ पे बात कर रहे हैं इमाम अल-कुरतुबी। अच्छा, इमाम अल-कुरतुबी अपनी तफसीर में बताते हैं इस वर्स में, तो द फर्स्ट हु वर्शिप द सीरियस वॉज कॉल्ड अभी खबशा, तो जो सीरियस नाम के सितारे की पूजा करने वाले आदमी को अभी खबशा बोला जाता, ठीक है। और प्रॉफिट मोहम्मद के एक जो एंसेस्टर थे, उनके जो पूर्वज थे, वो उनको खबशा बोला जाता है, अभी खबशा बोला जाता है। उनके जो मटेरियल मदर की जो लाइन है, मदर की जो एंसेस्टरी है, वो वहाँ से एक आदमी आता है जिसको अभी खबशा बोला जाता है। ये देखो अबू खबशा, तो ये अबू खबशा था, ये सीरियस नाम के सितारे की पूजा करता था, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद इस तरह के सितारों की पूजा करना को उन्होंने हराम करार दिया। कभी लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। देखो मीनवाइल इयास अभी खबशा ही वॉज अ गवर्नर ऑफ अलहिरा, यानी इराक में एक जगह, वहाँ का गवर्नर था, जो कि 1617 में ही मर गया था, लेकिन वो लीडर नहीं था ताई ट्राइब का, ही नेवर हैड अ सिंगल लीडरशिप। दे वांट आफ्टर इयास लॉस्ट द गवर्नरशिप ऑफ हीरा, ही बिकेम अ किंग ऑफ अरब ट्राइब अरब रिबेलियन इन 622। जो इयास नाम का आदमी है, इसको खालिद बिन वालिद से लड़ता है और शायद इनको वो करते हैं, खालिद बिन वालिद इसको हराते हैं इयास को, ठीक है। ये जो अच्छा मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका रेफरेंस, उसका लिंक दे दूंगा। ये दूसरे वाला ब्लॉग है किसाई लड़की का। इस थेरी को अभी अब्बास मालदियार नाम के आदमी ने ये थेरी को उठाया और प्रूफ करने की कोशिश की कि अरे हाँ हमको प्रॉफिट मोहम्मद मिल गया। तो ये ईसाइयों की नकल मार रहा है अब्बास मालदिया नाम का टुन्नी जो है। अच्छा, मैंने जो जिसकी नकल मार रहा है जे स्मिथ वगैरह, जे स्मिथ और मेल और एक अंग्रेज है, एक अरब है इनके ग्रुप में जे स्मिथ के, तो मैंने उनको टैग मार के बताया कि देखिए ये आपकी नकल मार रहा है। तो अच्छा, ये तो इन ईसाइयों से चोरी। ये देखो इयास वाले थेरी इसने उठाया और एक प्रूफ करने की कोशिश करा, इयास ताई वॉज द पर्सन सेवन सेंचुरी बेस्ड ऑन। तो ये ढक्कन को देखो, नकल बोलते ना, नकल के लिए भी अकल होना। तो ये गलत जगह भौंकने दो इनको, हमारा तो ये भला ही कर रहे हैं। इस तरह की गलत जगह थेरी लाते हैं ना इन लोग, तो इस तरह की थेरी ला रहे हैं, तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इस 16 स्क्रिप्चर नाम की लड़की है ना, इसने भी यही बात बोली है कि ये सब चीज़ों से इस्लाम डिस्क्रेडिट नहीं होता, तो करने दो इनको।